नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में एसएससी जीडी एग्जाम 2021 में जो मैथ के प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों का सॉल्यूशन कराऊंगा, जो कि इस बार एसएससी जीडी एग्जाम 2022 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। तो आइए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ आपको मैथ और रीजनिंग की रेगुलर प्रीवियस ईयर की क्लास मिल रही है। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। बोला गया है 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3.5 वर्षों के लिए निवेशित किसी धनराशि का साधारण ब्याज 9% वार्षिक ब्याज दर पर 4.5 वर्षों के लिए निवेशित उतना ही धनराशि के साधारण ब्याज से 55 रुपया कम होता है, धनराशि की गणना करें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, 10% की दर से 3.5 वर्षों में जो ब्याज प्राप्त होता है उसी धनराशि से 9% की दर से 4.5 वर्षों में जो साधारण ब्याज प्राप्त होता है उससे 55 रुपया कम प्राप्त हुआ है, तो धनराशि कितनी है ये आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा। आपको पता होगा कि साधारण ब्याज हमेशा एक रेट से लगता है, जितना इस बार लगेगा अगले वर्ष भी उतना ही लगेगा। तो दो कंडीशन यहाँ आपको दिया गया है। कंडीशन नंबर 1, इसमें क्या बोला गया है, ब्याज का दर कितना है, 10% है, ठीक है। कितने वर्षों तक निवेश किया है, 3.5 वर्षों तक। तो 3.5 वर्षों में इसको कितना प्रतिशत ब्याज मिला होगा, तो इसको गुना कर दीजिए 10 से, तो कितना आ जाएगा आपका, 35%। 3.5 वर्षों में 10% की दर से 35% इसको ब्याज मिला होगा। और दूसरे कंडीशन में क्या बोला गया है, दूसरे कंडीशन में ब्याज का दर 9% है और 4.5 वर्षों के लिए निवेश किया गया है, तो इससे इसको कितना ब्याज मिला होगा, तो 9 को 4.5 से गुना कीजिए, आ जाएगा आपका 40.5। 40.5% दूसरे केस में इसको ब्याज मिला होगा, लेकिन जो पहले ब्याज मिला है दूसरे से 55 रुपया कम है। तो यहाँ देखिए प्रतिशत में कितना कम है, दूसरे से प्रतिशत में कितना कम है, तो 40.5 में 35 को घटाइएगा तो 5.5% कम आएगा, ठीक है। कितना का अंतर आएगा, 5.5% का अंतर आएगा। और एक्चुअल में कितना ब्याज कम मिला है, रुपयों में 55 रुपया कम मिला है, ठीक है। तो यहाँ हम 5.5% बराबर 55 लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम मूलधन निकाल लेंगे। देखिए इस पॉइंट को हटाइए तो यहाँ एक जीरो लग जाएगा, ठीक है। अब इसको कैंसिल कीजिए, 55 से ये कितना बार में जाएगा, 10 बार में जाएगा, यानी 1% बराबर कितना आ गया, 1% बराबर 10 आ गया। आपसे क्या पूछा है, मूलधन, तो मूलधन कितना होता है, 100%। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर 10 है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100 से गुना हो जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो मूलधन आपका कितना था, 1000 रुपया था। ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का सही जवाब होगा। आपको समझ में आया होगा, हर एक लाइन को मैंने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इस क्वेश्चन को पढ़िए, ये एक कार्य को 18 दिनों में कर सकता है, ए और बी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं। अगर ये अकेले काम कर रहा है तो 18 दिनों में कर रहा है, अगर यदि ए और बी साथ में काम करते हैं तो वही काम 8 दिनों में समाप्त हो जा रहा है। आगे क्या बोला है, जबकि बी और सी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। उसी काम को अगर बी और सी साथ में काम करते हैं तो 6 दिनों में समाप्त कर देते हैं। तो आपसे क्या पूछा है, ये बी और सी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल है। यहाँ हम लिखते हैं, ये अगर अकेले काम कर रहा है तो कितने दिनों में कर रहा है, 18 दिनों में समाप्त कर रहा है। अगर यदि ये और बी साथ में काम कर रहे हैं, ए प्लस बी अगर साथ में काम कर रहे हैं तो कितने दिनों में कर रहे हैं, 8 दिनों में काम को समाप्त कर रहे हैं। अगर बी और सी एक साथ काम कर रहे हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त हो रहा है, आपका काम समाप्त हो रहा है 6 दिनों में, ठीक है। तो यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे कि कुल काम कितना है, तो 18, 8 और 6 इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 72 हो जाएगा, 72 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ से सबका कार्य क्षमता निकाल लेंगे, 18 से 72 कितना बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा,
तो ए की कार्य क्षमता कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। और 8 से 72 कितना बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा, यानी कि ए और बी की संयुक्त कार्य क्षमता 9 हो गई, ठीक है। अब 6 से 72 कितना बार में जाएगा, 12 बार में जाएगा, तो बी और सी की संयुक्त कार्य क्षमता कितना हो गया, 12 हो गया। तो आपसे पूछा है कि अगर यदि ये तीनों साथ में काम करेंगे तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, तो यहाँ हम निकाल लेते हैं इन तीनों का कार्य क्षमता अलग अलग कितना है, ठीक है। ये का यहाँ स्पष्ट है कितना है, ए की कार्य क्षमता 4 है, तो ए के सामने 4 लिखिए। बी की कार्य क्षमता कितना है, ए और बी इन दोनों का 9 है, ठीक है, और ये अकेले कितना है, ए का अकेले 4 है, तो बी का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तभी दोनों का साथ में 9 होगा, ठीक है। अब यहाँ समझिए इसको, सी का, सी की कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, बी का कार्य क्षमता कितना है, 5 है, और बी और सी का संयुक्त कितना है, 12 है, तो सी का अकेले कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, सी का 7 हो जाएगा, तभी बी और सी मिल करके 12 हो जाएंगे। तो तीनों का कार्य क्षमता हम अलग अलग निकाल लिए, अब ये तीनों साथ में काम करेंगे, ठीक है। तो काम कितना है, 72 है, कुल काम 72 है, और कुल कार्य क्षमता कितना है, 4 और 5 9, 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है, 16 कुल कार्य क्षमता हो गया। अब इसको काट दीजिए, कैंसिल कीजिए, 8 से कैंसिल कीजिए, 8 दूना 16 हो जाएगा, 8 से ये कितना बार में जाएगा, 9 बार में, 8 9 में 72 कितना आ गया, 9/2, और 9/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 दूना 8 और 1 9, यानी 4/1/2 दिन में अगर यदि ये तीनों साथ में काम करेंगे तो कार्य समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का सही जवाब होगा। समझ में आ रहा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इस सवाल का आंसर करिए। देखिए इसमें क्या बोला गया है, दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात आपको दे दिया गया है, 2:1 है, और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात भी दे दिया है, 1:2 है, ठीक है। उनके आयतन का अनुपात आपसे पूछा गया है, तो शंकु का आयतन क्या होता है, यहाँ लिखिए शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr² h, ये होता है शंकु का आयतन। दो शंकु है और दोनों का अनुपात आपसे पूछा है आयतन का, तो एक बार और आप यहाँ लिखिए 1/3 πr² h, ठीक है। अब इधर देखिए दोनों साइड 1/3 π कॉमन है, तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, r² h। तो पहले केस में देखिए शंकु का त्रिज्या कितना है, यहाँ देखिए 1 है, तो यहाँ आप लिखिए क्या, 1² और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई यहाँ पहले केस में कितना है, पहले का 2 है, तो गुना कर दीजिए किससे, 2 से, अनुपात। दूसरे केस में शंकु का त्रिज्या कितना है, 2 है, तो यहाँ आप लिखिए क्या, 2² ठीक है, इंटू एच यानी ऊंचाई, तो दूसरे शंकु की ऊंचाई कितना है, 1 है, तो गुना कर दीजिए क्या, 1। अब इसको रेशियो में बदल दीजिए, 1² 1 ही आएगा, 1 गुना कितना हो जाएगा, 2, रेशियो 2² 4 हो जाएगा, गुना का 1 हो जाएगा, कैंसिल करिए, 2 से 1 कितना बार में जाएगा, 2 बार में, तो इधर क्या बचा, 1 और इधर क्या बचा, 2, यानी 1:2 हो जाएगा शंकु के आयतन का अनुपात। ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ये सवाल आपका फॉर्मूला बेस्ड था, अगर शंकु का आयतन आपको आता होगा तो इस सवाल को आप आसानी से हल कर सकते हैं। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इसको पढ़िए। देखिए ये भी सवाल बहुत ही बढ़िया है, क्या बोला गया है, दो धनात्मक संख्याओं एक्स और वाई का अंतर आपको दे दिया है 350, ठीक है, ब्रैकेट में यहाँ लिखा गया है x > y, यानी एक्स का जो वैल्यू है वो वाई से अधिक है, ठीक है। यदि एक्स का 9.5% वाई के 16.5% के बराबर है तो दोनों संख्याओं यानी एक्स और वाई का योग क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इस सवाल को हल करने का मैं तरीका आपको बताता हूँ। यहाँ क्या बोला गया है, एक्स का 9.5%, तो यहाँ हम लिखते हैं एक्स का 9.5%, एक्स का जो 9.5% है वो वाई के 16.5% के बराबर है, तो वाई का हम निकाल लिए कितना, 16.5%। परसेंटेज को रहने दीजिए क्योंकि परसेंटेज से परसेंटेज अल्टीमेटली कट जाएगा, ये परसेंटेज इधर से ये परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, ये पॉइंट से ये पॉइंट भी हट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम रेशियो ले लेंगे, ठीक है, x / y, x / y बराबर क्या हो जाएगा,
तो ये एक्स जो है वो पलट जाएगा, कितना आ जाएगा 165 हो जाएगा, पॉइंट हट गया, और वाई बराबर कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से कितना बार में 19 बार में 95, 5 से ये कितना बार में जाएगा 5 तिया 15 यानी एक्स बाई वाई बराबर कितना आ जाएगा 33/19 आ जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक्स और वाई का अंतर दे दिया गया है 350, ठीक है। तो यहाँ देखिए अंतर कितना है 33 और 19, इन दोनों का अंतर कितना है, डिफरेंस इन दोनों में कितना है 14 का डिफरेंस है, यानी कि 14 बराबर आपको दे दिया गया है कितना 350 दे दिया गया है, ठीक है। तो एक बराबर आप निकाल सकते हैं, देखिए 14 से इसको कैंसिल कीजिए, कितना बार में जाएगा 14 × 28, बचा कितना 7 × 14 = 70, यानी एक बराबर कितना आ गया 25 आ गया, एक बराबर 25 आ गया। तो आपसे पूछा है एक्स और वाई का योग, एक्स और वाई का योग कितना है ये आपसे पूछा गया है, तो इन दोनों को आप जोड़िए, यूनिट में कितना है 33 और 19, इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा, कितना होगा 52 आ जाएगा। तो एक बराबर है आपका 25, तो 52 बराबर कितना हो जाएगा, तो 52 से इसमें गुना कर दीजिए, 52 से इसमें गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा 25 × 50 = 0, बाकी हाथ में 5, और 25 × 5 = 125 और 5 = 130 हो जाएगा, यानी कि 1300 आ जाएगा। एक्स और वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 1300। ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, समझ में आया होगा। हर एक लाइन को मैंने डीपली कवर किया है, मैं चाहता हूं कि हर एक पॉइंट आपको समझ में आए और इस बार आप सिलेक्शन ले पाएं, यही मेरी कामना है आप सभी से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, इस सवाल का आंसर करिए। देखिए मिश्र धातु ए का 40 kg मिश्र धातु बी के 63 kg में मिलाया जाता है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से इसको सुनिएगा। यदि मिश्र धातु ए में लेड और टिन का अनुपात 2:3 है, तो यहाँ हम लिखते जाते हैं, ठीक है। यहाँ आपका मिश्र धातु ए, इधर आपका मिश्र धातु बी, ठीक है। मिश्र धातु ए से 40 kg निकाला जाता है और बी में मिलाया जाता है, और बी में पहले से कितना मिश्र धातु है 63 kg है, ठीक है। और मिश्र धातु ए में लेड और टिन का अनुपात दे दिया है, कितना है 2:3 में है, तो यहाँ हम लिखते हैं क्या लेड और यहाँ हम लिखते हैं टिन, इन दोनों का रेशियो दे दिया है 2:3, कितना है 2:3 है। कुल है आपका कितना 40 kg, उसमें से 2 और 3 के अनुपात में बटा हुआ है, तो इसको 40 को 2:3 के रेशियो में बांट दीजिए, कितना आ जाएगा इसको यहाँ कितना हो जाएगा 3×2 = 5 हो जाएगा, 5 से इसको कैंसिल कीजिए 8 बार में जाएगा, 8×2 = 16, यानी कि लेड जो है वो कितना है 16 kg है, तो टीन कितना हो जाएगा 8×3 = 24 kg हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिलाकर कितना है 40 kg है, ठीक है। अब यहाँ देखिए मिश्र धातु बी में आगे क्या बोला गया है, और मिश्र धातु बी में टीन और तांबे का अनुपात 2:5 है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं क्या क्या है, टीन और तांबा, टीन हो गया और ये हो गया आपका तांबा, ठीक है। इन दोनों का रेशियो दे दिया गया है कितना 2:5 दिया गया है। अब इस 63 को 2 और 5 के रेशियो में बांट दीजिए, 63 को 2 और 5 के रेशियो में बांटिए, कितना आ जाएगा 2/7 हो जाएगा, 5 और 2 = 7, 7 से कितना बार में जाएगा 9 बार में, 7×9 = 63, 9×2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, यानी टीन इसमें कितना है 18 kg है, टीन इसमें कितना है 18 kg है। तो तांबा कितना हो जाएगा, तांबा आपका हो जाएगा 9×5 = 45 kg, क्योंकि दोनों को मिल करके कितना होना चाहिए 63 kg, तो यहाँ टीन और तांबा कितना केजी में है ये आपका निकल गया। अब यहाँ देखिए इसको आराम से समझिए, पूछा क्या गया है, नई मिश्र धातु में टीन की मात्रा ज्ञात करें, किसकी मात्रा आपको निकालना है टीन की, ठीक है। तो मिश्र धातु ए से 40 kg बी में मिलाया जा रहा है, ठीक है, और आपसे किसका पूछ रहा है टीन का नई मात्रा पूछ रहा है। तो यहाँ मिश्र धातु ए से टीन कितना निकल रहा है 24 kg निकल रहा है, और ये जाकर के मिश्र धातु बी में टीन के साथ मिल जा रहा है, तो पहले से टीन इसमें कितना था 18 kg, अब 18 में ये 24 जाकर जुड़ जाएगा, तो 18 और 24 कितना हो जाएगा 42 kg, 42 kg इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इसमें क्या बोला गया है, 2400 की राशि 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक 6.1/4% वार्षिक ब्याज दर से
प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो ये आपका किस में दे दिया गया है, डेट में दे दिया गया है, तो इसको आप दिन में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। कहाँ से ब्याज आपको निकालना है, 20 मार्च से, 20 मार्च से ब्याज आपको निकालना है, कहाँ तक, 31 मई 2019 तक। तो कितना दिन इसमें हो रहा है, दिनों की संख्या इसमें कितना है, तो इसमें आप गलती क्या कीजिएगा, 20 मार्च से बोला है तो मार्च में कितना दिन होता है, 31 दिन होता है, तो 20 मार्च से तो मार्च में कितना दिन लीजिएगा आप, 11 दिन, और यहीं आप गलती कर दीजिएगा। 20 मार्च से आपको बोला गया है तो 20 से आपको लेना है, 20 से काउंट करना है, तो इधर मार्च में कितना दिन बच जाएगा आपका, मार्च में आपका हो जाएगा 12 दिन, ठीक है, 12 दिन हो जाएगा 20 मार्च से लीजिएगा तो। और इधर आपको जाना है मई तक, ठीक है, तो ये मार्च का हो गया कितना दिन, 12 दिन, मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल, और अप्रैल में कितना दिन होता है, 30 दिन, तो यहाँ 30 दिन जोड़ेंगे। उसके बाद मई, 31 तारीख तक लेना है, ठीक है, यानी कि 31 दिन, तो कुल दिनों की संख्या कितना हो गया, सभी को जोड़ दीजिए, 30 और 31 61, 61 और 12 कितना हो जाएगा, 73 दिन, 73 दिन का आपको ब्याज निकालना है साधारण ब्याज की दर से, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, मूलधन आपको दे दिया है 2400 रुपया, ठीक है, दिन आपका निकल गया, रेट भी दे दिया है, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, तो मूलधन कितना है, 2400 रुपया है, मूलधन आपका 2400 है, ठीक है, और समय कितना है, 73 दिन है, ठीक है, दिन में है, तो इसको वर्ष में बदलने के लिए 365 से भागा करना होगा, क्योंकि एक साल में कितना दिन होता है, 365 दिन होता है, और 73 दिन का आपको ब्याज पूछा है, तो इसको साल में बदलने के लिए 365 से आपको डिवाइड करना होगा, तो ये आपका निकल गया क्या, दिन, और रेट आपको दे दिया है कितना, 6.1/4, इसको हटाइएगा तो 6×24 और 1/25/4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 25/4, और बट्टा का क्या हो जाएगा, 100 आ जाएगा, बट्टा का 100। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, इसको थोड़ा आसान बनाइए, देखिए 2400 यहाँ लिखते हैं, 2400 गुना क्या हो जाएगा, 73 हो जाएगा, और गुना कितना हो जाएगा, 25 आ जाएगा, बट्टा का 100 होगा, और ये 365 जो है वो आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है, और 4 भी आपका नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से इसको कैंसिल कर दीजिए, 20 से 20 कैंसिल, और क्या क्या हो सकता है, देखिए 4 से इसको कैंसिल कर सकते हैं 6 बार में, 6×24, और आपका कैंसिल हो सकता है क्या, देखिए 5 से इसको कैंसिल कीजिए, 25×25, 5 से इसको कैंसिल कीजिए, 5×7=35, 1 बच गया, 15 हो गया, 5×3=15, और आपका कट जाएगा क्या, ये 73 से ये 73 कट जाएगा, तो आपका बचा क्या, ये ऊपर में बचा आपका कितना, 6, और ये बचा आपका 5, तो इन दोनों को गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, तो 30 रुपया इसको ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। समझ में आया होगा आपको, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया, फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, इस प्रश्न का आंसर करिए, देखिए इसमें क्या बोला गया है, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात आपको दे दिया है 11:17, ठीक है, और आगे क्या बोला गया है, उनका एचसीएफ भी आपको दे दिया गया 4, ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात आपको दे दिया है 11:7, उसका एचसीएफ भी दे दिया है 4, ठीक है, उनका लघुत्तम आपसे पूछा गया है, एलसीएम आपसे पूछा गया है, तो एचसीएफ में क्या होता है, ये जो एचसीएफ आपका यहाँ 4 दिया गया है, ठीक है, और संख्याओं का अनुपात आपको दे दिया गया है कितना, 11:17 दिया गया है, ठीक है, तो जो भी ये संख्या पहले होगी, ठीक है, वो 4 से कट कर आई होगी रेशियो में, क्योंकि एचसीएफ क्या होता है, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वो कैंसिल हो करके ये रेशियो में आया होगा, 4 इन सभी में कॉमन होगा, आप इस बात को समझिए, पूरी संख्या आपको निकालना है तो 11 में 4 से गुना कर दीजिएगा तो वो संख्या निकल जाएगी, फिर 17 में 4 से गुना कर दीजिएगा तो वो संख्या निकल जाएगी, लेकिन आपसे पूछा है एलसीएम, क्या पूछा है, एलसीएम, तो इसको आसानी तरीके से किस प्रकार से हम बना सकते हैं, तो सबसे पहले यहाँ देखिए 11 और 17 इन दोनों का अगर एलसीएम निकालिएगा इन दोनों संख्याओं का तो क्या आएगा, ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, ये दोनों को गुना करने पर, तो 11×17 करिए कितना आ जाएगा, 11×17 करिएगा कितना हो जाएगा, 7×1=7, 7 और 1=8, ठीक है, और 1×1=187 आ जाएगा, ये आ जाएगा इसका एलसीएम, लेकिन ये 4 जो एचसीएफ दिया गया है ये 4 दोनों में कॉमन है, कैंसिल हो करके आया होगा, तो वापस इस संख्या में जाने के लिए 4 से हमको गुना करना होगा, तो 4 से इसमें भी गुना कर दीजिए, ठीक है, तो
तो आपका डायरेक्ट एलसीएम निकल के आ जाएगा, ठीक है। 7 चौक 28, 8 चौक 32 और 2 बाकी हाथ में था, कितना हो जाएगा 32 और 2 34, 4 लिखिए बाकी हाथ में 3, तो 1 को 4 से गुणा कीजिएगा 4 आएगा, प्लस का 3 7 आ जाएगा, यानी 748 इसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का सही जवाब होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें क्या बोला गया है, किसी बाल्टी का 4/11 भाग 5 मिनट में भरता है, शेष बाल्टी को भरने में लगने वाला समय ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक सिंगल लाइन का है लेकिन थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है, ठीक है। बाल्टी का 4/11 भाग भरने में 5 मिनट का समय लगता है, तो बाल्टी कुल कितना था, ठीक है, बाल्टी कितना था, तो हम इसको मान लेते हैं 11, ठीक है। कितना मान लेते हैं कि कुल बाल्टी में कितना था, 11 भरा हुआ था, जिसमें से 4 भरा जा चुका है, 4 को भरा जा चुका है, तो शेष कितना बचा, 7 बचा, क्योंकि कुल कितना है 11 है, 11 हम मान लिए। क्यों माने, क्योंकि 11 का 4/11 आपको करने में आसानी होगी, इसलिए हम 11 कुल मान लिए। इस 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। इस 4 को भरने में कितना समय लगा है, 5 मिनट का समय लगा है, 5 मिनट का समय लगा है, तो जो शेष भाग बचा हुआ है ये 7, इसको भरने में कितना समय लगेगा ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ देखिए एकक नियम लगा दीजिए, ठीक है, ये 5 मिनट जो समय लगा है वो 4 भाग भरने में लगा है, ठीक है, तो शेष भाग कितना है 7, तो 7 को भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है, यूनिटरी मेथड। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल होगा क्या, नहीं होगा, तो गुना कर दीजिए, 7 × 5 कितना हो जाएगा 35, और 4 इतना इसको मिनट लगेगा शेष भाग को भरने में, तो ये आपका आ गया किस में, मिनट में, तो इसको मिनट और सेकेंड में बदल सकते हैं। इस 4 से 35 के नज़दीक जाइए तो कितना बार में जा सकते हैं, 4 × 8 = 32, 8 तक जा सकते हैं, 32 आ जाएगा, तो 8 आपका आ गया क्या, मिनट में, किस में आ गया, मिनट में, और बचा कितना, हम 32 तक गए और है कितना 35, तो बचा कितना 3 बचा, और 4/2 आपका रहेगा ही, ठीक है। अब इसको सेकेंड में बदल दीजिए, सेकेंड में बदलने के लिए 60 से गुना करना पड़ेगा, गुना कर दीजिए, 4 से कितना बार में जाएगा 15 बार में, 15 × 3 कितना हो जाएगा 45, ये आपका क्या आ गया सेकेंड में, तो शेष भाग को भरने में कितना समय लगा, ये 8 मिनट, ठीक है, और ये आपका 45 सेकेंड, यानी 8 मिनट 45 सेकेंड में शेष भाग को भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर करिए। देखिए इसमें क्या बोला गया है, पी 1200 रुपये में खरीदी एक वस्तु क्यू को 15% लाभ पर बेचता है, फिर क्यू इसे आर को 1449 में बेचता है, क्यू का लाभ प्रतिशत कितना है, ये आपसे पूछा गया है। बढ़िया क्वेश्चन है, किस प्रकार से इसको बनाइएगा, ठीक है। पी जो है यहाँ आपका है, कौन है पी, और यहाँ है आपका कौन क्यू, और यहाँ है आपका कौन आर, ये तीनों है। पी कितना में खरीदा है 1200 रुपये में, ठीक है, यहाँ ये क्यू को बेच रहा है 15% के लाभ पर, ठीक है, 15% के प्रॉफिट पर क्यू को बेच रहा है, तो कितना में क्यू को बेचा होगा, तो 1200 का 15% निकालिएगा कितना आएगा 180 आएगा, तो 1200 में 180 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 1380 आ जाएगा, तो 1380 रुपये में क्यू खरीदा होगा पी से, ठीक है, और क्यू जो है वो आर को कितना में बेच रहा है 1449 में, कितना बेच रहा है 1449 में, तो आपसे पूछा गया है क्यू का लाभ प्रतिशत कितना है, खरीदा है क्यू कितना में 1380 रुपये में, बेच रहा है कितना में 1449 में, तो कितना का इसको प्रॉफिट हो रहा है, इसमें से इसको घटा दीजिए, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दीजिए तो आपका क्या निकल जाएगा प्रॉफिट निकल जाएगा, तो कितना आ जाएगा देखिए 9 हो जाएगा, 8 और 6 = 14 हो जाएगा, बाकी हाथ में 1 = 4 यानी कि 69 रुपये का इसको प्रॉफिट हो रहा है, कितना का 69 का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन आपसे परसेंटेज प्रॉफिट पूछा गया है, तो निकाल सकते हैं लाभ गुना क्या हो जाएगा 100 और 1/2 का कितना क्रय मूल्य, क्यू का पूछा है तो क्यू का सीपी कितना है 1380, तो 1380 से इसको डिवाइड कर दीजिए। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 23 से देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 23 × 3 कितना 69 और 23 से 138 कितना बार में जाएगा 6 बार में, ठीक है, 23 × 6 = 138 होता है, फिर 3 से इसको कैंसिल करिए कितना बार में 2 बार में, 3 × 6
दो से इस 10 को कैंसिल करिए कितना बार में, 5 बार में, तो कितना आ जाएगा लाभ प्रतिशत 5%। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, 5% इसको क्यू को लाभ हुआ है। आई होप ये सवाल आपको क्लियरली समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इसका आंसर करिए। इसमें क्या बोला गया है, एक व्यक्ति ने स्कूटर से 245 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय की, ठीक है। यदि वह इलेक्ट्रिक साइकिल को स्कूटर की चाल की 3/7 चाल से चलाए तो 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या बोला गया है, स्कूटर जो है वो 245 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय कर रहा है। अगर इलेक्ट्रिक साइकिल स्कूटर की चाल का 3/7 चाल से चलाए तो 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो यहाँ हम सबसे पहले स्कूटर की स्पीड निकाल लेते हैं, ठीक है। स्कूटर का चाल हम निकाल लेते हैं कि कितना इसका चाल हो जाएगा। तो स्कूटर जो है वो कितना चला है, 245 किलोमीटर चला है, ठीक है। 245 किलोमीटर कितना देर में चला है, ये चला है 7 घंटे में। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड आ जाएगा। इसको कैंसिल कीजिए, 7 से कितना बार में जाएगा, 7 या 21, 3 बचा 35 हो गया, 7 बचे 35। तो स्कूटर का स्पीड कितना आ गया, 35 किलोमीटर प्रति घंटा, 35 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ गया आपका स्कूटर का स्पीड। अब जो इलेक्ट्रिक साइकिल है, कौन सा साइकिल है, इलेक्ट्रिक साइकिल है, ठीक है। इलेक्ट्रिक साइकिल का जो स्पीड है वो स्कूटर के स्पीड का 3/7 है। तो स्कूटर का स्पीड कितना निकल के आया, 35, 35 का आप निकाल लीजिए 3/7, ठीक है। 3/7 निकालिए तो 7 से ये कैंसिल हो जाएगा कितना बार में, 5 बार में, 5 से कितना हो जाएगा 15, 15 किलोमीटर प्रति घंटा ये निकल गया आपका इलेक्ट्रिक साइकिल की चाल, ठीक है। तो इस चाल से ये साइकिल 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो स्पीड आप निकाल लिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, 4 से गुना कर दीजिए, स्पीड इंटू टाइम बराबर क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। 15 × 60 किलोमीटर की दूरी ये इलेक्ट्रिक साइकिल चल सकता है। ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ आपको रेगुलर क्लास मैथ और रीजनिंग का मिलते रहेगा। अब इस सवाल का आंसर करिए, ये भी बहुत ही बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन आपको देखने में बहुत ही बड़ा लग रहा होगा लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान होगा, पढ़िए इसको आराम से। देखिए क्या बोला गया है, 2 पाइप हैं ए और बी, एक भरे हुए टैंक को क्रमशः 10 मिनट और 15 मिनट में खाली कर सकते हैं, ठीक है। जबकि पाइप सी अकेले उसी खाली टैंक को 12 मिनट में भर सकता है, और सी जो है वो भर रहा है, 12 मिनट में टैंक को भर सकता है। तो यहाँ से हम टैंक की क्षमता निकाल लेते हैं, ये जो है वो कितने देर में खाली कर रहा है टैंक को, 10 मिनट में, और बी जो है वो कितने देर में खाली कर रहा है, 15 मिनट में, और सी जो है वो कितने मिनट में भर रहा है, ये भरने वाला पाइप है ये 12 मिनट में भर रहा है। तो यहाँ हम साइन दे देते हैं माइनस का, ये घटा रहा है, ये भी घटा रहा है, और ये जो है वो भर रहा है, प्लस का साइन दे दिए। तो यहाँ से हम टैंक का क्षमता निकाल लेंगे कि टैंक की क्षमता कितनी है, तो 10, 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 आ जाएगा। एलसीएम आपका कितना आ गया, 60 आ गया। तो टैंक की क्षमता कितना है, 60 है, ठीक है। तो ये किस रेट से खाली करेगा, तो 10 से 60 कितना बार में जाएगा, 10 × 60 यानी 6 की दर से ये खाली करेगा। और बी किस दर से खाली करेगा, 15 × 60 4 की दर से बी खाली करेगा। और सी किस दर से भरेगा, 12 × 60 5 की दर से भरेगा, ठीक है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि ए और बी दोनों खाली करने वाले पाइप हैं, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन को पढ़िए, जब टैंक पूरा भरा होता है तो ए और बी को 4 मिनट के लिए खोला जाता है। टैंक क्या है, भरा हुआ है, टैंक पूरा भरा हुआ है, ए और बी को 4 मिनट के लिए खोला गया है, तो कितना ये खाली कर दिए होंगे, क्योंकि टैंक क्या है, भरा हुआ है, और ए और बी दोनों खाली करने वाले पाइप हैं और 4 मिनट के लिए इसको खोला गया है। तो ये जो है वो किस दर से खाली करेगा, 6 की रेट से, और बी किस दर से, 4 की रेट से, दोनों मिल जाएंगे तो किस रेट से खाली करेंगे, 6 और 4 10 की रेट से खाली करेंगे। और कितने देर तक इन लोगों को खोला गया है, 4 मिनट के लिए, तो 4 से गुना कर दीजिए, तो कितना इन लोग खाली कर दिए होंगे, 40 लीटर खाली कर दिए होंगे, 40 लीटर ए और बी भरे हुए टैंक को खाली कर दिए होंगे। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए,
और फिर उसके बाद केवल ये को बंद कर दिया जाता है। अब ये बंद हो गया, ये यहाँ काम नहीं करेगा, ठीक है। और सी को तुरंत बी के साथ खोला जाता है। अब यहाँ सी को भी खोल दिया है बी के साथ, बी आपका चलता रहेगा, ठीक है। अब टैंक को पूरी तरीके से भरने में कितना समय लगेगा ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ आप ध्यान से समझिए कि टैंक आपका पहले भरा हुआ था 60 लीटर, जब पहले 4 मिनट ए और बी को खोला गया तो इन लोग कितना खाली कर दिए, 40 लीटर खाली कर दिए। अब बी और सी साथ में काम कर रहा है तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, तो खाली कितना हुआ है, 40 लीटर आपका खाली हुआ है पहले, इसी 40 लीटर को आपको भरना है, क्योंकि जितना खाली हुआ है उतना ही तो आपको भरना है। टैंक पहले से भरा हुआ था, 40 खाली हो गया, उसी 40 को आपको भर देना है। तो काम कितना करना है, 40 ही आपको करना है अल्टीमेटली, ठीक है। और बी जो है वो खाली कर रहा है किस रेट से, 4 की रेट से, और सी जो है वो भर रहा है किस रेट से, 5 की रेट से। तो काम कितना हो रहा है, माइनस का 4 और प्लस का 5, इस तरीके से काम हो रहा है। तो कितना काम होगा, प्लस का 1 काम होगा, यानी 1 लीटर प्रति मिनट भरा जा रहा है। तो काम है आपका कितना, 40 आपको भरना है, 1 की रेट से भरा जा रहा है। तो इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 40 घंटे में टैंक को भरा जाएगा जो शेष खाली हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा आपको, हर एक लाइन को मैंने बहुत क्लियरली आपको समझाया है। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चलते हैं हम अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इसका आंसर करिए। देखिए इसमें क्या बोला गया है, 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दे दिया है, 60 और कितना 5 है। तो यहाँ आप लिखिए क्या, एलसीएम, यहाँ एलसीएम और यहाँ लिखिए क्या, एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ दे दिया है, एलसीएम कितना है 60 है, एचसीएफ कितना है 5 है। यदि एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है और भागफल 10 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा लाइन आपको दे दिया है यहाँ, क्या दिया है, यदि एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 10 आता है। तो यहाँ से हम एक संख्या निकाल लेंगे, मान लीजिए वो संख्या क्या है, x है, इसको जब 2 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना मिल रहा है, 10 मिल रहा है। तो संख्या क्या हो जाएगा, x बराबर 2 10 से गुना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। तो एक संख्या आपका निकल गया कितना, 20 आ गया। तो आपसे क्या पूछा है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, दूसरी संख्या आपसे पूछा गया है। तो इसमें एक फार्मूला होता है, क्या होता है, एलसीएम, इसको आप जानते होंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट यानी संख्याओं का गुणनफल होता है। तो एलसीएम आपको दे दिया है कितना, 60 और एचसीएफ कितना है, 5 है, ठीक है। एक संख्या आपको दे दिया है कितना, 20, दूसरी संख्या आपको निकालना है तो दूसरी संख्या को मान लीजिए एन, ठीक है। अब यहाँ से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 20 + 3 कितना हो जाएगा, 60। तो n बराबर आपका क्या आ जाएगा, n बराबर 5 + 3 = 15 आ जाएगा। तो दूसरी संख्या क्या है, 15। ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इसका आंसर करिए। देखिए इसमें क्या बोला गया है, संख्या आपको दे दिया गया है 273, 312 है और 351 है। इसका एचसीएफ यदि x है तो x का मान किसके बीच में होगा ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, संख्या कितना है, 273 है एक संख्या, और दूसरी संख्या कितना है, 312 है, और तीसरी संख्या आपका 351 है। इनका आपको एचसीएफ निकालना है, ठीक है। एचसीएफ क्या आएगा और वो किन संख्याओं के बीच में होगा ये आपसे पूछा गया है। तो एचसीएफ निकालने का सबसे आसान तरीका मैंने आपको क्या बताया था कि 2 संख्याओं का आप अंतर लीजिए। देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर ले लीजिए, आप किसी भी संख्या का अंतर ले सकते हैं, ठीक है। पहली और तीसरी का भी ले सकते हैं, दूसरी और तीसरी का भी ले सकते हैं। तो पहली और दूसरी का अंतर कितना आ जाएगा, 312 में 273 को घटाइए कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा, 39। आपका एचसीएफ या तो 39 होगा या फिर इसका फैक्टर होगा। आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्या कि 2 संख्याओं का जो अंतर होगा, ठीक है, वही आपका एचसीएफ होगा या फिर इसका जो फैक्टर होगा वो आपका एचसीएफ होगा। तो इसमें देखना है कि 39 से ये तीनों नंबर कटता है कि नहीं कटता है। अगर कट जाएगा तो यही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा।
तो आप कोशिश करिएगा, तो ये भी नंबर आपका कट जाएगा 39 से, ये भी कट जाएगा और ये भी आपका कट जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका एस सी एफ कितना हो जाएगा, 39 ही आपका एस सी एफ होगा। आप चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, 39 से ये तीनों संख्याएं कट जाएगी, ठीक है। आपका एस सी एफ कितना होगा, 39 होगा, और ये जो 39 है वो किन संख्याओं के बीच में लाई करेगा ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन एक देखिए, 25 और 30, 25 और 30 के बीच में 39 है क्या, नहीं है, कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन तीन देखिए, 40 और 45, 39 आपका 40 और 45 के बीच में आता है क्या, नहीं आता, यहाँ भी कैंसिल। अब ऑप्शन दो देखिए, 35 और 40, तो 39 जो है वो आपका 35 और 40 के बीच में आ जाएगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो ये आपका सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग और कैलकुलेशन कितनी अच्छी है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें क्या बोला गया है, किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 16.80 रुपया है, तो धनराशि कितनी है ये आपसे पूछा गया है। 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आपको दे दिया गया है, रेट दे दिया गया है, मूलधन आपसे पूछा गया है। तो 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर का फार्मूला क्या होता है ये आप जानते ही होंगे, क्या होता है, PR² / 100² पी मीन्स प्रिंसिपल, आर मीन्स रेट, इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, अंतर के बराबर, किसके बराबर, अंतर के बराबर। और यहाँ से आप राशि निकाल सकते हैं, तो देखिए यहाँ हम लिखते हैं पी इंटू आर, आर आपको दे दिया गया है कितना, 8%, तो 8 × 8, क्योंकि आर का स्क्वायर करना है, बटा 100 का स्क्वायर, तो 100 × 100 हो जाएगा, ठीक है, बराबर किसके हो जाएगा, अंतर के, और अंतर कितना है, 16.80 रुपया, तो यहाँ हम लिख दिए 16.80 रुपया। अब यहाँ से आसानी से पी निकाल सकते हैं, पी बराबर क्या हो जाएगा, ये जो 2 वर्षों है ये 16.8 से गुना हो जाएगा, यानी 1 पॉइंट हट जाएगा तो एक जीरो भी हट जाएगा, तो 168 पर कितना जीरो हो जाएगा, 3 जीरो, ठीक है। अब बटा का कितना हो जाएगा, 8 × 8, बटा का 8 × 8, अब इसको कैंसिल कर सकते हैं, देखिए 8 × 2 हो जाएगा 16, 8 × 1 = 8, कितना आ जाएगा, 21,000 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको 8 से कैंसिल कीजिए, 8 से ये कितना बार में जाएगा, तो 8 × 2 = 16, 5 = 21 हो गया, यानी 50 हो गया, 8 × 6 = 48, 2 हो गया, 20 हो गया, 8 × 2 = 16, 4 हो गया, 40 हो गया, 8 × 5 = 40, तो राशि कितनी थी, 2625। ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। इसमें केवल क्या था, ये फार्मूला आपको पता है, आप तुरंत इसको आंसर कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इसमें क्या बोला गया है, किसी कक्षा के 15 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है, 15 छात्रों की औसत आयु दे दिया गया कितना, 14 वर्ष, उनमें से 6 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है और अन्य 8 छात्रों की औसत आयु 13 वर्ष है, तो 15वें छात्र की आयु आपसे पूछा गया है। तो यहाँ हम निकाल लेते हैं कि टोटल स्टूडेंट का एज कितना है, ठीक है, टोटल स्टूडेंट का एज कितना, यहाँ से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ एवरेज दे दिया गया है कितना है, 14 वर्ष है, और छात्र कितना है, 15 है, तो 14 × 15 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 15 × 6 = 60, 15 × 1 = 15 और 6 = 21, 210 आ जाएगा कुल एज, सभी 15 छात्रों का आयु निकल गया कितना, 210, इनमें से 6 विद्यार्थियों का औसत आयु 15 वर्ष है, तो 6 विद्यार्थियों का कुल आयु यहाँ से हम निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, 6 × 15 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका, 15 × 6 = 90, ये 6 विद्यार्थियों की कुल आयु आ गया। आगे क्या दिया गया है, और 8 छात्रों का औसत आयु 13 वर्ष है, तो 8 छात्रों का कुल आयु यहाँ से निकाल लीजिए, 8 छात्र हैं और सभी का कितना है, 13 वर्ष है, तो कितना हो जाएगा, 13 को 8 से गुना कीजिएगा, 104 आ जाएगा, तो इन सभी का कुल आयु कितना हो जाएगा, 4 का 4 = 9 और 1, 194, कितने छात्रों का, 6 और 8, कितना हो गया, 14, 14 छात्रों का आयु आ गया 194 और 15 छात्रों का आयु दे दिया गया है 210, तो 14 छात्रों का आयु घटा देंगे 15 छात्रों में, तो 15वें छात्र की आयु निकल जाएगी, तो यहाँ इसमें घटा दीजिए 194,
कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, तो 15वें छात्र की आयु कितना है, 16 ईयर इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साथ में वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इस सवाल का आंसर करिए, क्या बोला गया है इसमें, एक व्यक्ति ने एक कार 380,000 में बेची और 5% की हानि हुई, 380,000 में बेचा है और 5% का इसको लॉस हुआ है, 15% लाभ प्राप्त करने के लिए कार का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, आप इसको एक लाइन में आंसर कर सकते हैं, कितना में बेचा है, 380,000 में, 380,000 में इसको बेचा है, तो यहाँ लिख लें 380,000 में, लेकिन इस पर 5% का इसको हानि हो गया, यानी कि 380,000 जो है वो किसके बराबर है, 95 के बराबर है, क्योंकि 5% का इसको क्या हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है। तो इस पर 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, तो 380,000 जो है वो 95 बराबर है, 15% का लाभ चाहिए यानी 115, तो 115 बराबर कितना हो जाएगा, एक लाइन में आपका आंसर निकल जाएगा। अब इसको कैंसिल कीजिए, 19 से 19 पचे 95, 19 दूना 38, ठीक है, 5 से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 5 चौके 20, यहाँ 0 है आपका 4 बार, ठीक है, तो 5 चौके 20 कितना आया ऊपर में, 4000 आ गया। ठीक है, इस 4000 को 115 से गुना कर दीजिए, ठीक है, तो 115 गुना 4 कीजिए, उस पर 3 जीरो बैठा दीजिए, 115 गुना 4 कितना हो जाएगा, 460 हो जाएगा, 460 पर 3 जीरो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 460,000 इस कार का विक्रय मूल्य हो जाएगा अगर वह 15% का लाभ चाहता है तो, ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हम अगले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है, इसका आंसर करिए। इसमें क्या बोला है, एक कार पहले 272 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से और अगले 85 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करती है, पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात कीजिए, एवरेज स्पीड आपसे पूछा गया है, दो फेजों में ये दूरी को तय कर रहा है। पहले फेज में देखिए कितनी दूरी चला है, पहले फेज में 272 किलोमीटर चला है, ठीक है, और किस स्पीड से चला है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो यहाँ टाइम हम निकाल लेंगे कि कितना इसको समय लगा है, तो स्पीड से इसको डिवाइड कर दीजिए 40 से, इसको कैंसिल कीजिए 4 से, 10 बार में जाएगा, 4 से इसको कैंसिल कीजिए, 6 चक 24, बच गया कितना, 3 32, 4 8 32, कितना आ गया, 68/10 घंटा इसको लगा है 272 किलोमीटर की दूरी तय करने में, और कैंसिल हो सकता है लेकिन नहीं करेंगे, आगे आपको पता चल जाएगा, आसानी हो जाएगी, इतना इसको घंटा लगा है, ठीक है, आवर। और दूसरे फेज में कितनी दूरी तय किया है, दूसरी फेज में आपका 85 किलोमीटर चला है, किस स्पीड से चला है, 50 की स्पीड से, तो कितना समय लगा है, कैंसिल कर दीजिए 5 से 10 बार में, 5 से 17 बार में, ठीक है, तो कितना घंटा इसको लगा है, 17/10 घंटा लगा है दूसरे फेज में 85 किलोमीटर की दूरी तय करने में। तो आपसे एवरेज स्पीड पूछा है, क्या पूछा है, एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, क्या होता है, टोटल डी यानी डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम यानी टोटल टी, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 272, ठीक है, ये 272 और ये 85, इन दोनों को जोड़िए कितना आ जाएगा, तो 5 और 2 7 हो गया, 8 7 15 का 5, बाकी हाथ में 1 2 और 1 3, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 357, और टोटल टाइम, तो पहले फेज में इसको कितना समय लगा है, 68/10, दूसरे फेज में 17/10, इन दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है, तो 10 नीचे सेम है तो ऊपर पर जोड़ दीजिए, 68 और 17 कितना हो जाएगा, 68 और 17 85 कितना हो जाएगा, 10 घंटा लगा होगा टोटल, समझ में आया कि हम 10 क्यों लिखे थे, कैंसिल क्यों नहीं किए, यहाँ आपको आसानी हो गई। अब यहाँ 85/10 से इसको भागा कर दीजिए, अब इसको थोड़ा हम आसान बनाते हैं, ठीक है, 357, ठीक है, बटा का कितना हो जाएगा, 85 आ जाएगा, और गुना ये 10 आपका ऊपर चला जाएगा, 10 आपका ऊपर चला जाएगा, अब इसको कैंसिल कीजिए, 5 से कितना बार में जाएगा, 17 बार में, 5 से ये कितना बार में जाएगा, 2 बार में, 17 से ये कितना बार में जाएगा, 17 दूना 34,
बचा कितना, 1 17 हो गया, 17 एकम 17, तो आप गुना कर दीजिए, 21 दुना कितना हो जाएगा 42, यानी कि 42 किलोमीटर प्रति घंटा इसका एवरेज स्पीड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा आपको अच्छे तरीके से, पहले फेज में 272 किलोमीटर चला था 40 की स्पीड से, तो कितना समय लगा वो हम निकाल लिए, इतना समय लगा। दूसरे फेज में 85 किलोमीटर चला 50 की स्पीड से, तो कितना समय आया 17/10 समय आ गया। एवरेज स्पीड आपसे पूछा गया था, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस ये 272 और इस 85, इन दोनों को जोड़ें तो 357 आ गया, ठीक है। टोटल टाइम इन दोनों को जोड़ें, इसको और इसको, तो 85/10 आ गया, इससे डिवाइड कर दिए तो कितना आ गया 42 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। समझ में आया होगा आपको। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इसका आंसर करिए। ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है, क्या बोला गया इसमें, मोहन और रमेश मिलकर एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। मोहन और रमेश अगर मिल जाएं, M फॉर मोहन और R फॉर रमेश, ये दोनों मिल जाते हैं तो काम 15 दिनों में समाप्त कर देते हैं, 15 डेज में वर्क कंप्लीट कर देते हैं। और आगे क्या बोला है, मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है। यहाँ हम निकाल लेते हैं मोहन और यहाँ लिखते हैं क्या, रमेश। तो आपसे पूछा है अकेले मोहन द्वारा कार्य को पूरा करने में कितना समय लिया जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो मोहन की कार्य क्षमता जो है वो 50% अधिक है रमेश की तुलना में, तो 50% बराबर क्या होता है, फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, प्रतिशत आप हटाइएगा तो 50/100 हो जाएगा, इसको कैंसिल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। मोहन का रमेश से 50% अधिक है, तो जिसका जिससे बोला जाए उसको नीचे वाला का आप मान लीजिए, ठीक है। तो 2 मान लीजिए आपका रमेश की एफिशिएंसी कार्य क्षमता, तो मोहन का कितना हो जाएगा, मोहन 50% अधिक है तो 2/1 अधिक, यानी मोहन का कितना हो जाएगा 3 कार्य क्षमता हो जाएगा, मोहन की एफिशिएंसी कितना निकल गया 3। अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो 15 दिन में काम समाप्त कर देते हैं, तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे कि कितना वर्क है, सो 15 दिन में ये दोनों कर रहे हैं और दोनों की कार्य क्षमता कितना है, 1/3 है 1/2 है, दोनों को जोड़ दीजिएगा 3/2 कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, यानी 15 × 5 = 75, ये टोटल वर्क है। तो आपसे पूछा क्या गया है, मोहन द्वारा इसी काम को पूरा करने में कितना समय लिया जाएगा, तो काम कितना निकल के आ गया 75, टोटल वर्क कितना है 75, और मोहन की कार्य क्षमता कितना है, मोहन की कार्य क्षमता 3 है तो 3 से इसको भागा कर दीजिए, ठीक है। 75/3 कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, 25 डेज में मोहन जो है अकेले इस काम को कर देगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको कैसे मैंने इस सवाल को हल किया है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, देखते हैं इसका आंसर सही कौन कौन कर पाता है। और आज की क्लास आपको कैसी लगी, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट मेरे लिए आप जरूर छोड़ जाइएगा, और कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको यहाँ मैथ और रीजनिंग की रेगुलर क्लास मिलेगी, इसलिए आप इस चैनल के साथ बने रहिए।